आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। वहीं आज हम बात करेंगे गदर 2 फिल्म अपने 3 दिनों में कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रही, और क्या गदर 2 फिल्म इंडिया के 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाई या नहीं। तो दोस्तों, यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको सनी देओल की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए, इस फिल्म में आपको सनी देओल के साथ कई मल्टी कास्ट देखने को मिले थे। वहीं फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिस वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3,500 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली और पब्लिक और क्रिटिक्स से 4-स्टार रिव्यू मिलने की वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिला। और काफी जबरदस्त ऑक्यूपेंसी होने की वजह से गदर 2 फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 40 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा, लेकिन फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक गदर 2 फिल्म ने अपने दूसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 33 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 42 करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन फिल्म को आज रिलीज हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल की फिल्म गदर 2 अपने तीसरे दिन यानी आज संडे की छुट्टी होने की वजह से फिर से 15 से 20% की ग्रोथ पा रही। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल की फिल्म गदर 2 सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेगी। वहीं फिल्म का आज का संडे का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 51 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा, जिस वजह से गदर 2 फिल्म का 3 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 124 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म अपने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 150 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी और लगभग 156 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी। तो दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है, लेकिन अगर इस फिल्म को इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनना है तो इस फिल्म को लाइफ टाइम 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। लेकिन सनी देओल के हिटर्स गदर 2 फिल्म को अभी भी फ्लॉप कह रहे हैं। वहीं आपको क्या लगता है, गदर 2 फिल्म लाइफ टाइम 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन पाएगी या नहीं? और आप गदर 2 फिल्म को हिट कहोगे, सुपरहिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? आपकी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताओ। तो मस्त वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।